Very good morning, students. How are you? I hope all of you will be fine. I am your maths teacher, and today I am going to teach you maths of class 2. And today we practice of chapter number 6, division. तो आज हम chapter 6 का थोड़ी सी practice करेंगे, क्योंकि हमारा chapter हो चुका है. तो आज as a revision मैं आपको कुछ practice करवाऊंगी. Question number 1. देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 1 में आज हम क्या करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स. यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं और यहाँ पे ये बॉक्सेस बने हुए हैं, तो हमें इन बॉक्सेस में फिल करना है. देखिए, किसका साइन है बच्चों, मल्टीप्लाई. तो 2 × 4, इसका मतलब है हमें 2 का टेबल पढ़ना है 4 टाइम्स. तो बच्चों, आपको टेबल्स तो लर्न होंगे, तो 2 का टेबल हम 4 टाइम्स पढ़ेंगे तो कितना आएगा, पढ़कर देखिए. टेबल 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6 एंड 2 × 4 = 8. तो हम यहाँ 8 लिखेंगे. इसी तरह से देखिए, ये है 3 × 5, यानी 3 का टेबल हमें 5 टाइम्स पढ़ना है. चलिए 3 का टेबल पढ़ना शुरू कीजिए. 3 × 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12 एंड 3 × 5 = 15. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 15. इसी तरह से ये 2 है, 2 × 7, यानी 2 का टेबल 7 टाइम्स पढ़ना है. तो 2 × 7 = कितना होता है, 2 × 7 = 14, यहाँ 14 लिखेंगे. अब नीचे देखिए, कौन सा नंबर है, 4, यानी अब हमें 4 का टेबल पढ़ना है कितने टाइम्स, 3 टाइम्स. तो चलिए 4 का टेबल पढ़ना शुरू कीजिए. 4 × 4, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12. इसी तरह से 3 है, 3 का टेबल हम 8 टाइम्स पढ़ेंगे, 3 × 8 = 24. अब देखिए नीचे, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इट मीन्स हमें 2 का टेबल पढ़ना है 9 टाइम्स. तो 2 × 9 = कितना होता है, 2 × 9 = 18, यहाँ 18 लिखेंगे. इसी तरह से ये है 4 × 6, 4 का टेबल हमें 6 टाइम्स पढ़ना है. तो 4 × 6 = 24, तो हम यहाँ 24 लिखेंगे. अगर बच्चों आपको टेबल्स लर्न नहीं है, तो आप पहले टेबल लर्न कर लेंगे, उसके बाद आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे. अब देखिए, यहाँ पे कौन सा नंबर है, 5, तो 5 का टेबल पढ़ना है 2 टाइम्स, 5 × 2 = 10, तो हम यहाँ 10 लिखेंगे. 3 × 9 = 27, तो यहाँ 27 लिखेंगे. अब देखिए, ये 4 है, 4 का टेबल पढ़ना है हमें 8 टाइम्स, 4 × 8 = 32, यहाँ 2 है, तो 2 का टेबल 6 टाइम्स पढ़ेंगे, 2 × 6 = 12, 5 है, 5 का टेबल हम 4 टाइम्स पढ़ेंगे, 5 × 4 = 20. अब फिर से 5 लिखा हुआ है, अब फिर से हमें 5 का टेबल पढ़ना है 7 टाइम्स, 5 × 7 = 35. इस तरह बच्चों, आपको इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, इनमें आपको टेबल पढ़ना है और यहाँ पे नंबर लिखना है. ऐसे आप क्वेश्चन नंबर 1 की आप अपनी कॉपी में क्वेश्चंस लिखेंगे और उनको फिल करने की प्रैक्टिस करेंगे. सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे.